हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचआर ब्लॉग चैनल्स एंड रानीखेत ब्लॉग पार्ट टू। और लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग लास्ट टाइम रिजॉर्ट में पहुंच गए थे रात को, एंड उसके बाद से अब ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो हम लोग रिजॉर्ट तो पहुंच चुके हैं, बट अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है तो थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए। तो उसके लिए हम लोग पहले ही ऑर्डर दे आए हैं अपना। यहाँ पर जो रिजॉर्ट है इसके अंदर ही रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया था। एंड वो लोग रूम्स के हिसाब से सर्विस देते हैं, तो आपका जब भी ऑर्डर आ जाता है तो वो आप लोगों को बुला लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है अपना, और तब तक हम यहाँ पर लॉन में इंजॉय कर रहे थे थोड़ा सा। और हमें कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स मिले, और उनकी ये छोटी छोटी दो क्यूट सी बेटियाँ हैं, एंड मम्मी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रही थी। आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर ब्लॉग में। तो अभी हम होटल के डाइनिंग एरिया में आ चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा भूख लग रही थी। उसके बाद फिर होटल को एक्सप्लोर करेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, तो उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सुंदर व्यू है और ग्रीन ग्रीन भी है, इंडोर प्लांट्स भी रखे हैं यहाँ पर। कुल मिला के व्यू बहुत अच्छा है। खाना खा लिया है हमने। खाना खाने के बाद अब थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, और उसके बाद आपको रूम भी दिखाएंगे कैसा रूम है। और बाहर से भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर कैसा व्यू आ रहा है। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है तारे जमीन पर। ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ये पूरा लग रहा है ना जैसे तारे उतर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये पूरा मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलते चलते हम बाहर आ चुके हैं यहाँ पर। पूरा यहाँ पर मतलब काफ़ी मतलब बिल्कुल शांति है, और इस शांति में बीच में रुकना मतलब जैसे हमने सोचा था कि हम बीच जंगल में कैंपिंग वगैरह करने का सोच रहे थे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमें लगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो बीच मतलब पूरा यहाँ पर पूरे में शांति है, कहीं भी कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा यहाँ पर, और केवल आपको इंसेक्ट्स की जो आवाज़ है वो आ रही होगी। और इधर यहाँ से ये पूरी एंट्री है, वहाँ पर लॉन वगैरह भी है अंदर रूम्स के आगे, और रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ वहीं अंदर है। तो वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे, बट फिलहाल थोड़ा सा घूम लेते हैं पहले बाहर, और उसके बाद फिर अंदर चलेंगे, तब आपको दिखाते हुए चलेंगे। और ये पूरा अंधेरा हो रहा है, इसलिए आपको शायद ज़्यादा कुछ कुछ जगह में दिखना लग रहा है भाई। मैं ऊपर ही नहीं का तो रिजॉर्ट, हम अपने अंदर अंदर ही घूमेंगे, यहीं सेफ है हम। अच्छा, तो ये आप देख सकते हो वेलकम टू कलावती रिट्रीट, यहाँ पर होटल का नाम है। दो होटल हैं बेसिकली, कलावती रिट्रीट और दूसरा कौन सा होटल था पापा, वाइल्ड स्टोन नाम से एक और होटल है इन्हीं का। तो दोनों होटल हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा वे आप देखोगे काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ देखो आप ग्रीनरी ग्रीनरी है, लाइट्स वगैरह लगाई हुई, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखो फेरी लाइट लगाई हुई है। हाँ, जब आप मतलब यहाँ से रास्ते से जाते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है आपको। यहाँ पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है साइड में, ये देख सकते हो कलावती रिट्रीट, और लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से की हुई है। ये बेसिकली इनका मतलब पूरा वे है, आप यहाँ से कार भी अंदर ले जा सकते हो इजीली, और अंदर कार की पार्किंग है तो वहाँ पार्क कर सकते हो। और उसके साइड में वहाँ पर लॉन भी है, और होटल के मतलब आप रूम से निकलोगे तो रूम के बाहर ही आपको लॉन भी दिख जाएगा। कितना प्यारा लग रहा है देखो यहाँ पर पूरा व्यू। रात का टाइम हो रहा है तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा हूँ, तो सुबह भी दिखाएंगे हम आपको। उधर नीचे वो रोड है,
ये एक होटल है इनका, एक ये वाला होटल है वाइल्ड स्टोन जहाँ पर हम रुके हुए हैं। अभी अंदर से हम आपको दिखाएंगे और वहीं पर बाहर एक इनका रेस्टोरेंट भी है, वहाँ आप लोग जा सकते हो और बाहर भी अपना जो फूड है वो ऑर्डर कर सकते हो, आपके रूम में आ जाएगा, या फिर आप लॉन में इंजॉय करना चाहो तो लॉन में भी कर सकते हो, इनका लॉन भी है। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है शायद, इधर भी और बना रहे हैं, इधर साइड ये पूरा तैयार है और अंदर से दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा है रूम, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप यहाँ पर आते हो तो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पूरा ये नी का लैंड है पूरा, आपने देखा था पार्किंग यहाँ पर हो जाती है आपकी कार की, तो कार की भी सेफ्टी है। ये हम आ चुके हैं अपने रूम के अंदर और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रूम है, आप लोग देख सकते हो कि पूरा कितना ज़्यादा स्पेशियस है। ये अभी हमारा थोड़ा सा यहाँ पर ट्राइपॉड रखा हुआ है क्योंकि अभी हम आउटडोर शूट करके आए थोड़ी सी, तो ये यहीं बाहर रखा हुआ है। बाकी ये हमारा बेड है, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा क्लीन है पूरा रूम, बहुत ज़्यादा क्लीन है और स्पेशियस, मैंने जैसे कि कहा पूरा स्पेशियस है बहुत ज़्यादा। और ये आपको कवर्ड भी दी जाती है एक, तो इसके अंदर आप अपना सारा लगेज रख सकते हो बहुत ईजीली। इधर एक LCD भी है तो आप इंजॉय कर सकते हो अगर आप लोग देखना पसंद करते हो। हम थोड़ा कम प्रेफर करते हैं कि बाहर आके हम TV यूज़ करें, तो वो हमारा थोड़ा कम रहता है, बट आप लोग चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग इजीली ड्रेसअप हो सकते हो, ऊपर इसीलिए एक बल्ब भी दिया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखो तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और बेडशीट काफ़ी अच्छी क्लीन है। और इधर यहाँ पर एक साइड टेबल भी दी जाती है आपको, हर एक इंटरकॉम भी रखा हुआ है ताकि आप लोग बात कर सको, साइड टेबल के अंदर भी आप कुछ सुनना चाहो तो रख सकते हो। और इधर आप लोग देखोगे तो काफ़ी सारे सॉकेट्स दिए हुए हैं, मोस्टली हमें बहुत ज़्यादा यूज़ रहती है इसकी क्योंकि जितने भी फ़ोन्स होते हैं वो सब चार्ज करने होते हैं, तो एक इधर लगाते हैं एक इधर लगाते हैं, और मैं जब एडिटिंग करूँगा तो यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ उसे। और एक उधर साइड भी हमने लगा रखा है, तो मतलब काफ़ी सारे सॉकेट्स हैं, एक उधर खाली है तो आप लगा सकते हो। ये इधर हमने अपना लगेज रख दिया, काफ़ी स्पेशियस है ये कबर्ड भी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम के सबसे ज़्यादा नीड रहती है कि हाइजेनिक हो और अच्छा वॉशरूम मिले, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप पहले देख लो कितना ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम है ये, काफ़ी अच्छा स्पेस है और हाइजेनिक भी बहुत ज़्यादा है। और इधर आपको एक जकूजी भी दी जाती है, आप यहाँ पर नहा सकते हो, शावर से मन करे आप शावर से नहाइए, आपका मतलब अपना मन है, आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और स्पेशियस बहुत ज़्यादा है, आप लोग बहुत आराम से इसे यूज़ कर सकते हो और हाइजेनिक भी काफ़ी है, तो वॉशरूम भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। और रूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, आप देख ही सकते हो पूरा, मतलब एक्स्ट्रा आप पैडिंग भी करा सकते हो यहाँ पर, तो यूज़ कर सकते हो आप इसे एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए, या फिर आपके साथ कोई चिल्ड्रन वगैरह हैं तो खेल सकते हैं बहुत आराम से, इतना ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स अभी हम रूम एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि तभी हमें बाहर से म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी, तो हम लोगों ने भी बाहर जाके देखा तो वहाँ पे म्यूज़िक कंसर्ट चल रहा था। तो आइए चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए और हम भी इंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर म्यूजिक सुनते हुए बातचीत करते हुए काफ़ी देर हो गई और यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले थे, इनसे बात करते हुए कब टाइम ख़त्म हो गया हमें पता ही नहीं चला और अब हम काफ़ी थक गए। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।